We'll start with IAS 21 effects of changes in foreign exchange rates. Very simple, straightforward transaction question. I mean topic. I'm very sorry. इसमें अगर आप मुझे पूछोगे कि इसके लिए सवाल कब पूछा गया था, कौन से साल में, तो दिसंबर 2022 5 मार्क्स, जून 2018 15, 14, 13 7 7 मार्क्स, और एक ही 11 मार्क के लिए सवाल है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इसमें, और रीसेंट पास्ट में बहुत कम। लेटेस्ट में दिसंबर 2022 में पूछा गया था, उसके पहले 2018 में, 4 साल पहले। सो अदर देन दैट जून 2018 में, मतलब तो लगभग 3 साढ़े 3 साल, 4 साल पहले पूछा गया था ये सवाल। हम लोग कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मोस्ट प्रोबेबली आता है। बोरोइंग कॉस्ट एंड 21 IAS 21 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, ये पीपी में आपका क्वेश्चन टेस्ट होता है, या 38 में इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो ये दो सब टॉपिक्स वहां पे एज अ पार्ट ऑफ 16 चेक किए जाते हैं, क्योंकि काफी क्लोजली रिलेटेड है वहां पे। एक्सचेंज रेट कैपिटलाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते, या एसेट फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है तो उसका एक्सचेंज उसका अमाउंट कैसे ट्रांसलेट होगा, बैलेंसेस कैसे ट्रांसलेट होगी, ट्रांजैक्शन किस तरीके से ट्रांसलेट होगा, तो ये मेनली सवाल आते हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हम ये देखेंगे। मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि अब अभी पीडीएफ शेयर्ड है विच इज ऑन द मशीन, आईपैड शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, वो उसका शेयरिंग रुक गया है फॉर सम रीजन, सो आई एम नॉट एबल टू शेयर दैट। एनीवेज हमारा काम रुकेगा नहीं उसकी वजह से। मैं चेक करता हूं मेरे पास क्वेरी रेजोल्यूशन सेशन से रिलेटेड मेरे पास रहेगा, एक सेकेंड। नहीं वो नहीं है। सो एनीवे ये करेंगे इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है टू अंडरस्टैंड ये स्टैंडर्ड क्यों दिया गया है, व्हाई दिस स्टैंडर्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। एंटिटी का बिजनेस खुद की कंट्री, जिस कंट्री में वो ऑपरेट करता है उसी कंट्री की बाउंड्रीज तक सीमित नहीं है, उसके बाहर जाता है। तो ये बिजनेस जब बाहर की कंट्रीज में होता है तो वहां पे कुछ ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, सेल, परचेस, इन्वेस्टमेंट्स, तो उस ट्रांजैक्शन से जनरेटेड रिसीवेबल्स, पेबल्स, ये चीजें जनरेट होती है विच आर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शन का ट्रांसलेशन मेरी बुक्स में, मेरे करेंसी में कैसे किया जाता है, इसके बारे में ये गाइडेंस हमें मिलता है। सेकेंड, जो ट्रांजैक्शंस, मतलब पहली बात जो हमने देखी वो खुद के ट्रांजैक्शंस खुद ही ने किए फॉरेन करेंसी में, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है, और दूसरी बात उसमें ये एड्रेस की गई है कि वो ट्रांजैक्शन मैंने खुद ने नहीं किया, मेरी सब्सिडियरी ने, मेरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट ने वो ट्रांजैक्शन किया है, या मेरी फॉरेन ब्रांच ने वो ट्रांजैक्शन किया है मेरे बिहाफ पे। मेरे बिहाफ पे मतलब मेरे बिहाफ पे नहीं, डायरेक्टली उसने खुद ने ट्रांजैक्शन किया है जो कि मेरे बुक्स में बाद में कंसोलिडेट हो सकता है, तो वो मेरी सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट है। अल्टीमेटली उसका कंसोलिडेशन मेरे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ होगा, जिसको मैं प्रेजेंट करूंगा एज अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऐसे फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं किस तरीके से कंसोलिडेट करता हूं, व्हाट इज अ मेथड ऑफ कंसोलिडेटिंग दिस इन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसे सिचुएशन में गेन और लॉस, एक्सचेंज रेट्स में जो फ्लक्चुएशन होता है वो फ्लक्चुएशन किस तरीके से रिफ्लेक्ट किया जाता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वेन आई हैव ट्रांजेक्शन विच इज आई हैव एंटर्ड इन टू ऑन माई ओन बिहाफ, सेकेंड वेयर दैट ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन टू थ्रू फॉरेन सब्सिडरी और फॉरेन ऑपरेशन इन फॉरेन करेंसी, वो मेरे बुक्स में CFS में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, ये दो सवाल। तो इसमें कुछ आपको डेफिनेशन जानना जरूरी है, एक फंक्शनल करेंसी का क्या मतलब है, प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है, फॉरेन करेंसी क्या है।
सबसे पहली बात, फंक्शनल करेंसी का ही डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स। एंटिटी जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है उस कंट्री की करेंसी इज द फंक्शनल करेंसी। मतलब ज्यादातर आपके सेल कहां पे होते हैं, कॉस्ट कहां पे इनकर होते हैं, कौन सी करेंसी में इनकर होते हैं, सेल कौन सी करेंसी से ड्राइव होता है, सेल कौन सी करेंसी में होता है ये नहीं। अब इंफोसिस जैसी कंपनी यूएसडी में सेल करती है, यूरो में सेल करती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में सेल करती है, सिंगापुरन डॉलर में सेल करती है, यूरो में सेल करती है, पाउंड में सेल करती है, दिनार में सेल करती है, चाहे जो भी हो, इतनी करेंसी से इंफोसिस की, विप्रो की, टीसीएस की, तो कैसे डिटरमाइन किया जाए उसकी फंक्शनल करेंसी क्या है? तो यह होता है कि उसका सेल डिराइव किस करेंसी से होता है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस कौन से कंट्री की है, वो चाहे यूरोप में जाए, वो चाहे अफ्रीका में जाए, वो चाहे नॉर्थ अमेरिका जाए, साउथ अमेरिका जाए, कनाडा जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, कॉम्पिटिटर्स शायद इंफोसिस के वही होंगे, टीसीएस, विप्रो एंड अदर कंपनीज एंड फ्यू ऑफ द कंपनीज विच आर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मेनली है, तो एग्जाम्पल दिया मैंने, तो वो अगर इंडियन कॉम्पिटिटर्स ही है जिसकी वजह से ये प्राइस डिराइव होगा, फिर तो सेल प्राइस इज डिराइव्ड बाय इंडियन कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। तो मेरा हो सकता है प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया का है, करेंसी इंडियन करेंसी रहेगी, कॉस्ट इंडियन एम्प्लॉयज डिप्लॉय किए हैं, सो सेल्स एंड कॉस्ट कौन सी करेंसी से डिराइव होते हैं, कौन से करेंसी में इनकर होते हैं, ये प्राइमरी कंडीशन है। सेल्स कॉस्ट, मेरा फाइनेंसिंग जो होता है वो कौन सी करेंसी में होता है, तो ये डिटरमाइन करना पड़ता है। तो फंक्शनल करेंसी इज वेरी सिंपल एट सच, मतलब कभी कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99% केसेस में डिराइविंग फंक्शनल करेंसी इज नॉट दैट डिफिकल्ट। 1% केसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। ऑयल कंपनी फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी कंट्रीज में ऑयल बेचती है वो, लेकिन कॉम्पिटिटिव फोर्सेस वर्ल्ड वाइड होते हैं, किसी एक करेंसी के नहीं। लेकिन ऑयल ज्यादातर कौन सी करेंसी में बेचा जाता है, डॉलर में, तो हो सकता है ऑयल कंपनी की फंक्शनल करेंसी यूएस डॉलर हो सकती है। मैं तो एक बस एग्जांपल दे रहा हूं, अदरवाइज ऐसे 1% केसेस में ये डिराइव कर रहा है, ये एनालिसिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना मैं बता रहा हूं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। हमने एक एग्जांपल किया था इफ यू रिमेंबर, तो वो आपको एक केस स्टडी है पीपीटी में, आपको देखनी पड़ेगी, दैट्स इट। वो है फंक्शनल करेंसी, एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी इज द फॉरेन करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी मतलब जिस करेंसी में मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करता हूं, दैट इज द प्रेजेंटेशन करेंसी। फॉरेन ऑपरेशन मतलब एनी सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, एनी ब्रांच विच इज लोकेटेड आउटसाइड योर कंट्री, रिपोर्टिंग एंटिटी के कंट्री के बाहर वाली, विच इज कंसिडर्ड एज अ फॉरेन ऑपरेशन। यहां पे फंक्शनल करेंसी के इंडिकेटर्स, आज तक ज्यादातर ये सवाल कभी आया नहीं है कि आप इवेल्युएट कीजिए फंक्शनल करेंसी कौन सी है, बट जनरली आपको पता होना चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडिकेटर्स है। प्राइमरी इंडिकेटर्स आपको कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देते आपकी फंक्शनल करेंसी का, तो ही सेकेंडरी इंडिकेटर्स के पास जाना है, अदरवाइज सेकेंडरी इंडिकेटर्स कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देंगे। वो सेकेंडरी इंडिकेटर्स प्राइमरी इंडिकेटर्स के साथ जुड़ के ही कंक्लूसिव एविडेंस देंगे, अदरवाइज नहीं। तो करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल प्राइस, जो हमने डिस्कस किया, करेंसी ऑफ द कंट्री हुज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशन डिटरमाइंस द सेल प्राइस, ये भी डिस्कस किया। करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर, मटेरियल, अदर कॉस्ट, ये तीनों चीजें हमने डिस्कस की, एंड अकॉर्डिंगली ये जिस करेंसी के टूवर्ड्स हमें इंडिकेट करती है, दैट वुड बी आर फंक्शनल करेंसी। ज्यादातर इंडियन कंपनीज के लिए फंक्शनल करेंसी विल बी INR, US कंपनीज के लिए इट विल बी US डॉलर्स, यूरोपियन कंपनीज के लिए इट माइट बी यूरो, ये डिपेंड करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सेकेंडरी इंडिकेटर्स, अब यहां पे मिक्स इंडिकेटर्स आते हैं, मिक्स इंडिकेशन आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सेल प्राइसेस इन्फ्लुएंस होते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव फोर्सेस से, जैसे कि ऑयल की सिचुएशन में, जहां पे
वर्ल्ड वाइड जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है वो मेरे उसकी वजह से मेरी सेल प्राइसेस डिटरमाइन होती है, और वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मेरे बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं, तो यहां पे मिक्स इंडिकेटर्स है। तीसरी बात, लेबर मटेरियल आधी कॉस्ट इंडियन रुपीज में, आधी कॉस्ट यूएस डॉलर में, क्योंकि फॉरेन एम्प्लॉयज भी है तो यूएस डॉलर में, तो यहां से मिक्स इंडिकेटर्स आते हैं, तो मैं सेकेंडरी इंडिकेटर्स में जा सकता हूं। फंडिंग कहां से मैं लाता हूं, जहां से जिस करेंसी में मेरे एक्सपेंसेस है उसी करेंसी में जनरली आई टेंड टू बोरो, तो वो समझ में आता है। तो इसलिए यहां पे अगर INR है तो इसका मतलब आपका ज्यादातर इंक्लिनेशन इज टूवर्ड्स INR, अगर ये यूएस डॉलर है तो ज्यादातर इंक्लिनेशन इज टूवर्ड्स यूएस डॉलर्स, तो ये आपको जज करना पड़ेगा। करेंसी इन विच ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स आर यूजुअली रिटेन्ड, रिटेंशन उसी करेंसी में होगा जिस करेंसी में मैं क्या करता हूं, स्पेंड करता हूं। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडिकेटर्स। एडिशनल इंडिकेटर्स आर यूज ओनली इन केस वेयर देर इज अ फॉरेन ऑपरेशन, आपकी सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट है और आपको डिटरमाइन करना है कि क्या उस फॉरेन ऑपरेशन की करेंसी और मेरी फंक्शनल करेंसी सेम ही है। तो एक भी सिनारियो से, ये चार क्वेश्चंस है, चार क्वेश्चन से रिलेटेड, एक भी क्वेश्चन का अगर अफर्मेटिव आंसर है तो देन फॉरेन ऑपरेशन की करेंसी और हमारी करेंसी एक ही है। एडिशनल इंडिकेटर्स जो यूज किए जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज किए जाते हैं, टू डिटरमाइन द फॉरेन करेंसी ऑफ फॉरेन ऑपरेशन वेदर इट इज सिमिलर टू माइन। इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हमने इंडियन गैप में कहा था, इंडियन गैप में इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कहते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब वो एक्सटेंशन है, इट्स एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ माय एंटिटी, तो उसकी फंक्शनल करेंसी और मेरी सेम ही रहेगी। वो बिजनेस करता है वो मेरा ही बिजनेस है एक्सटेंडेड फॉर्म में है, तो उसका पूरा डायरेक्ट इंपैक्ट इमीडिएटली आएगा, तो इट इज नॉट अ सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट पर से विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मी, करेक्ट। सो एज आर द एक्टिविटीज कंडक्टेड एज एक्सटेंशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, इफ येस देन हिज करेंसी एंड माई करेंसी इज सेम, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। सेकेंड, वेदर प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजेक्शन विद रिपोर्टिंग एंटिटी हाई, क्या करता है, मेरे से परचेस करता है बेचता है, परचेस करता है बेचता है, मेरे बिहाफ पे बेचता है, दैट इज एक्टिंग एज जस्ट एज अ ब्रांच। वो लोन कुछ लेता नहीं, लोन नहीं लिया तो मेरे ऊपर फंडिंग के लिए डिपेंडेंट है, लोन लिया तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, उसको रीपे कैसे करे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ट्रांजेक्शन विद इन टू एंटिटीज इज हायर। डस दैट एंटिटी जनरेट कैश फ्लोज ऑन इट्स ओन और इट डिपेंड्स ऑन मी, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। अगर यस इसका आंसर है तो इट डिपेंड्स ऑन मी, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। डज द कैश फ्लो डायरेक्टली अफेक्ट द कैश फ्लोज ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, उसने सेल किया तो इमीडिएटली अफेक्ट होगा, देन इट इज अ रिपोर्टिंग, इट इज एन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। ठीक है, इज एवरी वन विथ मी? ये सिंपल इंडिकेटर्स है, तो ये आपको बस चेक करने हैं एज अ पार्ट ऑफ, अगर एग्जामिनेशन में सवाल आता है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, सिंपल, खुद की पहले प्राइमरी करेंसी फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन करो। पहला पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंटिटी की खुद की फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन करो। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप फंक्शनल करेंसी, ये बात बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए। मेरी फंक्शनल करेंसी INR है तो सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट सबकी INR रहेगी, ये नहीं हो सकता, सबकी अलग अलग डिटरमाइन करनी है। एवरी एंटिटी विल डिटरमाइन देयर ओन फंक्शनल करेंसी। मैं बस ये चेक करता हूं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी इंडिकेटर्स एंड सेकेंडरी इंडिकेटर्स। ऑलराइट, फॉरेन ऑपरेशन अगर है तो मैं ये बस चेक कर रहा था उसकी फंक्शनल करेंसी मेरी सेम है क्या, मैंने तो मेरी डिटरमाइन कर ली INR, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन सब्सिडरी और मेरी सेम है क्या, फिर मैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडिकेटर्स उसको इवेल्युएट ही नहीं करूंगा, मैं चेक करता हूं कि वो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है तो सेम ही फंक्शनल करेंसी है, फिर और चेक फॉर, फिर और अलग क्या करूंगा इसमें। तो ऐसे सिचुएशन में फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड मैं एडिशनल इंडिकेटर्स अप्लाई करता ओनली विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन ऑपरेशंस, जस्ट टू चेक, नॉट टू डिटरमाइन हिज फंक्शनल करेंसी। उसकी फंक्शनल करेंसी क्या है वो चेक करने के लिए वो एंटिटी खुद अपने आप पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडिकेटर्स अप्लाई करेगी। बात समझ में आ रही है? मैं मेरी फंक्शनल करेंसी प्राइमरी सेकेंडरी इंडिकेटर्स करके अप्लाई करके डिटरमाइन करूंगा, एडिशनल इंडिकेटर से बस इतना मैं जान सकता हूं
फॉरेन ऑपरेशन की और मेरी करेंसी सेम है क्या? तो चार क्वेश्चंस मैं पूछूंगा एंड अकॉर्डिंगली आई विल गेट द आंसर। फिर उसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी इवैल्यूएशन इतने काम का नहीं रहेगा, रादर वो इंडिकेशन विल ऑल्सो दैट विल इंडिकेट इवैल्यूएशन दैट विल इंडिकेट दैट हिज प्राइमरी करेंसी इज सेम एज माइन, ये हो जाए। तो जजमेंट रेयरली करना पड़ता है, बट अदरवाइज इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। मल्टीनेशनल बिजनेसेस में भी जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, इतना डिफिकल्ट नहीं रहता। लाइक इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, दीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज, रिलायंस, तो ये सब टाटा मोटर्स, इनके लिए सिंपल है। अब रिलायंस टाटा मोटर्स तो पूरी कॉस्ट इंडिया में होती है, भले ही वो चाहे एक्सपोर्ट किसी भी देश में करे, किसी भी करेंसी में करे, फर्क नहीं पड़ता। ये एक बार डिटरमाइन हो गई तो जनरली ये सेम रहती है, ओनली इफ सर्कमस्टांसेस चेंजेस इट विल चेंज। ये कोई जजमेंट, ये कोई पॉलिसी चॉइस नहीं है, तो ये ऐसे चेंज नहीं होगी। अब पहली बात आती है ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। बात बिल्कुल सिंपल है, आज सेल किया, आज एसेट परचेस की, आज इन्वेंटरी परचेस की, अकाउंटिंग एंट्री क्या आएगी? सेल की, सेल किया, रिसीवेबल्स और कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन। कॉस्ट की एंट्री अलग से आएगी मेरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंटरी ये अलग आएगा। ये क्या हुआ? मेरा सेल का एंट्री हुआ। सेल इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, 1 लाख डॉलर में सेल किया है, कौन सा रेट लेना चाहिए? द डे ऑफ ट्रांजैक्शन, सेल डेट का ट्रांजैक्शन। परचेस किया इन्वेंट्री टू कैश और बैंक और पेएबल, इन्वेंट्री के लिए ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड ये इन्वेंट्री, कितने की इन्वेंट्री ली? 1 लाख यूरो। यूरो का रेट कौन सा ले? तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में जो रेट रहता है, रेट एट द ट्रांजैक्शन डेट, दिस रेट मस्ट बी यूज्ड, दिस रेट मस्ट बी यूज फॉर ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। यहां पे अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है तो आप अप्रोप्रिएट एवरेज रेट यूज कर सकते हो, ये हम सबको पता है। इससे अगर कोई बैलेंसेस जनरेट होते हैं, इससे बैलेंसेस जनरेट हो गए, जैसे रिसीवेबल्स, पेएबल्स, आम आई राइट, लोन लिया, लोन इज अगेन लाइबिलिटी, मॉनिटरी लाइबिलिटी, डिपेंड करता है। एसेट परचेस की तो एसेट इज ऑल्सो बैलेंस, वो भी जनरेट होता है। ट्रांजैक्शन डेट पे मैं एक रेट यूज करता हूं, रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, बट सब्सिक्वेंट टू दैट जब रिपोर्टिंग डेट में मैं आता हूं, ये ट्रांजैक्शन डेट है, ये रिपोर्टिंग डेट है, यहां पे रेट अलग रहेगा, यहां पे रेट अलग रहेगा। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मैं यूज करता हूं, ट्रांजैक्शन बुक करता हूं उस दिन, बट उसके साथ साथ एसेट भी रिकॉर्ड होती है, पेएबल्स भी रिकॉर्ड होते हैं, या कैश एंड बैंक में पे करके खत्म करता हूं बात उसको। दो ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन से दो बैलेंसेस, एसेट एंड पेएबल। जो पेएबल है इट इज मॉनिटरी एसेट, है नॉन मॉनिटरी एसेट, वो नॉट, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल, इट्स नॉन मॉनिटरी एसेट। इसके लिए फिक्स्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आने वाले, वो तो एसेट है, नॉन मॉनिटरी एसेट है। ऐसी एसेट्स को रिस्टेट करने की जरूरत नहीं है, जो एसेट्स नॉन मॉनिटरी है उसको रिस्टेट नहीं करते, लेकिन नॉन मॉनिटरी एसेट एंड लाइबिलिटी है तो उसको रिस्टेट करना पड़ता है, क्योंकि वो रिसीवेबल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करेंसी में होगी या पेएबल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करेंसी में होगी, कॉन्ट्रेक्चुअली फिक्स्ड। तो जिस दिन जाने वाली है उस दिन का रेट लगेगा, तो रिपोर्टिंग डेट में फिलहाल रिपोर्टिंग डेट का रेट लगेगा। तो ट्रांसलेशन ऑफ बैलेंसेस में यह बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए। ट्रांसलेशन ऑफ बैलेंसेस में यह बात दिमाग में रहनी चाहिए, एक्सचेंज रेट विल बी यूज फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी बैलेंसेस, इट डिपेंड्स वेदर इट इज मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बैलेंस। तो पहले मॉनिटरी बैलेंस मतलब क्या हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। मॉनिटरी बैलेंस इज द बैलेंस वेयर दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड इनटू फिक्स्ड और डिटरमिनेबल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, रिसीट और पेमेंट बोथ। एम आई राइट? एवरीबडी इज विथ मी? नॉन मॉनिटरी में फिक्स्ड डिटरमिनेबल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज नहीं होते, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, भले ही फाइनेंशियल है बट नॉन मॉनिटरी है। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स हमने डिस्कस किया था, फाइनेंशियल एसेट है इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, लेकिन ये नॉन मॉनिटरी है, क्योंकि आपको मिलेगा वो फिक्स्ड और कॉन्ट्रेक्चुअली डिटरमिनेबल अमाउंट नहीं मिलेगी, तो नॉन मॉनिटरी है।
इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नो, यू आर गोइंग टू यूज दैट एसेट इन फ्यूचर फॉर योर बिजनेस पर्पजेस एंड जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. इट डजेंट हैव फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज दैट यू विल रिकवर इन अ सब्सिक्वेंट पीरियड. सो नॉन मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट्स इन बैंक्स यू विल रिकवर इन फिक्स्ड अमाउंट मॉनिटरी. इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरिन बैंक्स, इन्वेस्टमेंट इन फॉरिन करेंसी बॉन्ड्स, रिडीमेबल बॉन्ड्स, मॉनिटरी एसेट. पेएबल फिक्स्ड अमाउंट मॉनिटरी एसेट, मॉनिटरी लाइबिलिटी, करेक्ट. सो ऑल दीज थिंग्स इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन. मॉनिटरी एसेट एंड लाइबिलिटी जो रहेगा उसकी अमाउंट मिलेगी या पे करनी पड़ेगी इन फिक्स नंबर ऑफ करेंसी विच इज अ फॉरिन करेंसी, इसीलिए उसको रिस्टेट करना पड़ता है. बिकॉज ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वो बैलेंसेस चेंज हो सकते. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी. जैसे गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, पीपी, इन्वेंट्रीज, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल एडवांसेस, दीज आर नॉन मॉनिटरी एसेट्स. मॉनिटरी आइटम्स फाइनेंशियल एसेट्स सच एज कैश, बैंक बैलेंसेस, रिसीवेबल्स, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर. फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अगेन मॉनिटरी. प्रोविजन्स दैट आर सेटल्ड इन कैश, प्रोविजन्स और पेंशंस एंड अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स टू बी पेड इन कैश, ऑल मॉनिटरी. तो मॉनिटरी आइटम्स जो है इट मस्ट बी कन्वर्टेड दैट बैलेंसेस, रीट्रांसलेशन कहते हैं इसको. क्या कहेंगे? रीट्रांसलेशन. रीट्रांसलेशन इनटू फंक्शनल करेंसी. पहले तो ट्रांजैक्शन डेट, फिर बाद में आता है रिपोर्टिंग डेट. ये खुद के ट्रांजैक्शन है, ये खुद के ट्रांजैक्शन से अराइज हुए वाले बैलेंसेस है. या तो बैलेंसेस मॉनिटरी होते हैं या नॉन मॉनिटरी होते हैं. मॉनिटरी बैलेंसेस जो होते हैं वो रीट्रांसलेट करने पड़ते हैं, वो चाहे लाइबिलिटी हो या असेट हो. मिलने वाला है फिक्स नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी, बट वो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन जो है इसकी वजह से वेरिएबल नंबर ऑफ मुझे क्या मिलेंगे? फंक्शनल करेंसी मिलेंगे. तो जो फंक्शनल करेंसी मिलेगी उसका रिस्टेटमेंट करना पड़ेगा. डिफरेंस पी एंड एल में जाता है. नॉन मॉनिटरी आइटम्स सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कुछ करना नहीं है उसको, इसको रिस्टेट नहीं करना. एक बार डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे मैंने इसको फॉरेन करेंसी से फंक्शनल करेंसी में लेके आया, दैट फंक्शनल करेंसी विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर द ईयर. इसको रीट्रांसलेट नहीं करता एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. हालांकि ये अगर फेयर वैल्यू पे मैं मेजर करता हूं, रीवैल्यूएशन पे मेजर करता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे रीट्रांसलेट करना पड़ता है एज ऑन द डेट ऑफ फेयर वैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन. डिफरेंसेस कहां जाते हैं? जो डिफरेंसेस मेरे रियलाइज हो या अनरियलाइज हो मॉनिटरी आइटम्स पे, वो पी एंड एल में लेके जाता हूं. रियलाइज और अनरियलाइज बोथ. रिसीवेबल्स आए नहीं है बट रिस्टेट करना पड़ा बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट. जो भी डिफरेंस आएगा रिसीवेबल की पहली वाली अमाउंट में और आज की अमाउंट में, पी एंड एल में जाएगी. पहले रिसीवेबल था $1,00,000 रिसीवेबल थे. जिस दिन रिपोर्ट किया था ट्रांजेक्शन उस दिन था ₹80. रिपोर्टिंग डेट पे $1,00,000 अभी भी आने हैं, $1,00,000, बट डॉलर की रेट हो गया डॉलर का 85 फ्रॉम 80. ₹5 का फायदा हुआ, ₹5,00,000 इट विल बी गेन. पहले थे ₹80,00,000, अब हुए ₹85,00,000. ₹5,00,000 का गेन हुआ पी एंड एल. अनरियलाइज्ड लेकिन पी एंड एल. रियलाइज है तो भी पी एंड एल, अनरियलाइज है तो भी पी एंड एल. ट्रांजैक्शनल है, नियर फ्यूचर में ये ट्रांजैक्शन होने वाला है, तो इसलिए अनरियलाइज होने के बावजूद ये पी एंड एल पे जाता है. बात समझ में आ रही सबको? आपको जो अनरियलाइज्ड कुछ चीजें होती हैं वो लेट्स से इट इज ऑन, हाँ, जहां पे एसेट नॉन मॉनिटरी एसेट होती है लाइक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मेजर्ड एट रीवैल्यूएशन डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, तो वहां पे जो एक्सचेंज रेट रहेगा वो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का एक इफेक्ट जाएगा ओसीआई में, क्योंकि रीवैल्यूएशन गेन कहां जाता है? ओसीआई. तो उससे रिलेटेड फ्लक्चुएशन भी ओसीआई में जाएगा. यही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो पी एंड एल में जाएगा गेन और लॉस दोनों, तो उसका भी रीस्टेटमेंट रीट्रांसलेशन का गेन और लॉस कहां जाएगा? पी एंड एल में जाएगा. ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ट्रांजैक्शन बैलेंसेस हो गए, जो मेरे खुद के ट्रांजैक्शन है, मेरे खुद के बैलेंसेस है, ठीक है. लेकिन अब आती है बात
फॉरेन करेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मतलब सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट की। यहां पे मैं क्या करता हूं, कोई मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी में डिफरेंस नहीं करता। क्यों नहीं करता, यह बात बिल्कुल ध्यान में लीजिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आज भी दिमाग में, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। क्या हो सकता है कंफ्यूजन, जब मैं कोई फॉरेन करेंसी बैलेंस शीट या पीएनएल ट्रांसलेट करता हूं तो वहां पे मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी नहीं होता, वहां पे एंटायर बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में ट्रांसलेट करता हूं एट अ क्लोजिंग रेट, वो चाहे मॉनिटरी एसेट हो या नॉन मॉनिटरी एसेट हो, फर्क नहीं पड़ता। तो आपके दिमाग में अब तब सवाल आता है, अरे नॉन मॉनिटरी मॉनिटरी का एक सवाल था जो हमने किया था, यहां पे मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी क्यों नहीं है। बात बिल्कुल सिंपल है, जहां पे खुद का ट्रांजैक्शन है, एक्सपोजर डायरेक्टली मेरे ऊपर है, तो वहां पे मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी होता है, क्योंकि वो मेरे बैलेंस शीट का लाइन आइटम है, इंपैक्ट मेरी बैलेंस शीट में होगा। ये जो इंपैक्ट होगा, ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ये पूरा बैलेंस शीट ही फॉरेन करेंसी में है मेरे लिए। मेरी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट क्या करती है, उसका बैलेंस शीट बनाती है, ट्रांजैक्शन इंक्लूड करती है इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन फॉरेन करेंसी, उसको मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं, मैं कंसोलिडेशन के लिए इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं, अदरवाइज उसके ट्रांजैक्शन और मेरे ट्रांजैक्शन अलग है, वो अलग एंटिटी है, मैं भी अलग, उसके ट्रांजैक्शन उसके ट्रांजैक्शन, मेरे ट्रांजैक्शन मेरे ट्रांजैक्शन, उसके ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट मेरी बुक्स में क्यों आएगा डायरेक्टली, वो कभी होगा ही नहीं। वो अमाउंट थोड़ी ना मुझे इमीडिएटली आने वाली है, वो जब इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा तब की बात है, तब तक के लिए तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा डायरेक्ट मेरे बुक्स में। इसीलिए यहां पे ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी कन्वर्टेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट विदाउट एनी बाइफर्गेशन बिटवीन मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। ये रिक्वायर्ड नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो करता हूं ये एवरेज रेट पे करता हूं, और इक्विटी हमेशा हिस्टोरिकल रेट पे करता हूं, मतलब एक बार ट्रांसलेट हो गई फंक्शनल करेंसी में, दोबारा से उसको रीट्रांसलेट नहीं करता। इक्विटी को रीट्रांसलेट किया नहीं जाता कभी भी, इट्स लाइक एन एसेट जैसे होता, एसेट जैसे ट्रीटमेंट होता है। कौन सी एसेट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मेरी नॉन मॉनिटरी एसेट है उसी के जैसे यहां पे एक ट्रीटमेंट है। इक्विटी इक्विटी है, जिस दिन मैंने रिकॉग्नाइज की मेरे बुक्स में, मैंने मतलब इन्वेस्ट किया कंसोलिडेशन के लिए, जिस दिन मैंने ट्रांसलेट किया उसी अमाउंट को हमेशा रहेगी, उसको रीमेजर नहीं किया जाता। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीमेजर किया जाता है, बट ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी रीमेजर्ड एट द क्लोजिंग रेट एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो एवरेज रेट से जाता है, तो डिफरेंस तो आएगा, एक है क्लोजिंग रेट पे, दूसरा है एवरेज रेट पे, मतलब एक पी एंड एल ना, ऑफकोर्स पीएनएल का रिजल्ट क्या रहेगा, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एम आई राइट, यस और नो। एसेट्स लाइबिलिटीज क्लोजिंग रेट से, इक्विटी में रिजर्व्स जो है वो उस साल की एवरेज रेट से, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल इट विल बी एट अ हिस्टोरिकल रेट। कैसे टैली होगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इक्विटी हिस्टोरिकल रेट, प्रॉफिट्स एवरेज रेट्स साल, हर साल के एवरेज रेट पे, लाइबिलिटी एंड एसेट्स क्लोजिंग रेट पे नहीं होगा टैली। जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एफसीटीआर, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ये ओसीआई का पार्ट होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सो जब मैं इन्वेस्टमेंट बेच देता हूं तब जब मैं उसको डीकंसोलिडेट करता हूं तो वो गेन और लॉस मेरा पीएनएल में रिक्लासिफाई करता हूं, दिस विल बी रिक्लासिफाइड थ्रू पी एंड एल, नॉट डायरेक्टली टू रिटेन्ड अर्निंग्स। इससे रिलेटेड अभी तक सवाल काफी बार आए हैं, बट सेपरेट सवाल बहुत कम बार आए। इट विल बी एज अ पार्ट ऑफ पीपी इंटेंजिबल एसेट्स अलोंग विद बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, आर यू विथ मी एवरीवन? Yes, sir. Any questions on this?
गवर्नमेंट ग्रांट्स में आपको क्या देखना है, यहां पे भी सवाल आते हैं। हालांकि रिसेंट पास्ट में कोई सवाल बहुत बड़ा नहीं आया, 2019 में एक सवाल आया था 3 मार्क के लिए, तो पता नहीं सवाल आएगा क्या। बहुत साल हो गए इसमें कोई सवाल नहीं है, तो हो सकता है ग्रांट के ऊपर सवाल आ जाए। हमने एक बहुत अच्छा सवाल किया है, वो आपको देख के जाना पड़ेगा, जिसमें ग्रांट एसेट रिलेटेड ग्रांट है और उसका रीपेमेंट का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें है। तो एक एक चीज क्विकली देखेंगे, व्हाट ऑल थिंग्स यू आर रिक्वायर्ड टू लुक इनटू एज अ पार्ट ऑफ दिस IS-20। IS-20 में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या देखना चाहिए, ये हम क्विकली देखते हैं। ग्रांट और ये चैप्टर दो चीजों के लिए है, एक ग्रांट और दूसरा असिस्टेंस। अकाउंटिंग सिर्फ ग्रांट का होता है, असिस्टेंस का अकाउंटिंग नहीं होता। ग्रांट का मतलब है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस बाय गवर्नमेंट टू द एंटिटी। असिस्टेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस नहीं होता, वो एक जेनेरिक एक कुछ असिस्टेंस दिया जाता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। SEZ है फॉर एग्जाम्पल, SEZ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गवर्नमेंट में, और उन्होंने कहा वो सभी कंपनीज के लिए, आपके लिए नहीं है। वो क्या करता है, गवर्नमेंट कहता है कि मैंने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है, आप वहां पे आइए, आप आपकी जमीन लीजिए, आपका ऑफिस बनाइए, फैक्ट्री डालिए, वहां से बिजनेस कीजिए, मैं आपको अच्छे रोड्स दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको अच्छा इलेक्ट्रिसिटी अनइंटरप्टेड सप्लाई दूंगा, मैं आपको जो भी इंटरनल रोड चाहिए या उसके लिए आपको लेट्स से अलॉटेड प्लॉट्स चाहिए वो भी मैं आपको दूंगा, वाटर सप्लाई सुवेज सिस्टम दूंगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है, मैं असिस्ट करता हूं आपको कि ये ठीक तरह से हो जाए। आपने आपका जमीन लिया तो आपको रोड खुद बनाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी खुद चेक करनी पड़ेगी, ये कुछ करना नहीं पड़ेगा, सुवेज वाटर सप्लाई ये खुद करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, ये असिस्टेंस है, ये असिस्टेंस है। या उसने कुछ परचेस किया, आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो या आप कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाते हो, तो उसका स्ट्रेट अवे पूरा का पूरा प्रोडक्शन उन्होंने गवर्नमेंट ने आपसे लिया मिनिमम प्राइस में, असिस्टेंस है। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ आपको नहीं दिया, रिसोर्सेस ट्रांसफर नहीं किया, बट आपसे क्या किया, बाहर बेचोगे उससे अच्छा है मैं आपसे परचेस कर लेता हूं पूरा का पूरा, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हेडेक कम रहेगा, ये असिस्टेंस हुआ। इसमें कोई ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स नहीं, जो पैसे दिए वो गुड्स परचेस करने के लिए दिए। कुछ एक फ्री डिजाइन आपको सबको ही किया है, दो कुछ दो चार एंटिटीज थी उन्होंने सपोर्ट किया कि ये डिजाइन देखिए इस तरीके से आपका खुद बनाइए, ये बेसिस लेके, तो ये असिस्टेंस हो। इसके बारे में अकाउंटिंग नहीं होता, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर होता है। तो यहां पे गवर्नमेंट इज एनी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एनी एनजीओ लाइक इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट मतलब नॉट टिपिकली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज भी उसमें आती है। एंड असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस, इसको हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट कहेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। और अकाउंटिंग जो होता है ग्रांट का होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस है। गवर्नमेंट क्या करेगा आपको, या तो कोई देखिए तीन फॉर्म्स होते हैं, ध्यान से सुनना सब। एक फॉर्म होता है आपको एसेट दी डायरेक्टली, लैंड दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा पैसे दिए, लैंड लीजिए या कोई एसेट लीजिए इसके लिए पैसे दिए। तीसरा आप कुछ खर्चा इनकर कीजिए, सैलरी कीजिए एम्प्लॉयज का, इतने एम्प्लॉयज आप रिक्रूट कीजिए 100 एम्प्लॉयज मिनिमम, उसमें से 80 लोगों की सैलरी हम देंगे आपको अगले 5 साल तक। एक्सपेंस करने के लिए कुछ खर्चा दिए, खर्चा करने के लिए कुछ पैसे दिए, एसेट परचेस करने के लिए कुछ पैसे दिए, या डायरेक्टली एसेट ही दे दी। तीन टाइप्स में आपके पास ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स हो सकते हैं, उसका अकाउंटिंग भी आता है एंड डिस्क्लोजर्स भी आते हैं। असिस्टेंस में इकोनॉमिक बेनिफिट आता है अंडर सर्टन क्राइटेरिया, वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स नहीं होता, इसलिए इसके सिर्फ डिस्क्लोजर आते हैं, यहां पे अकाउंटिंग नहीं होता। बाकी बेनिफिट्स का तो डिस्क्लोजर भी नहीं किया जाता, जैसे कि कुछ इनडायरेक्टली कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए वो सभी एंटिटीज के लिए, वो असिस्टेंस भी नहीं कहा जाता उसमें।
फॉर एग्जाम्पल एक कुछ लेट्स से ड्रॉइंग पब्लिश किया और कहा कंपनी ने कि ये ड्रॉइंग यूज करो, या कंपनी को कुछ एक स्कीम डिक्लेयर कर दी एट्स अ सेट ऑफ पूरे इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज नहीं, स्पेसिफिक कुछ असिस्टेंस नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तो ये उसका कुछ अकाउंटिंग होता ही नहीं है बिल्कुल। तो ये बात की दो चीजें एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती, पहले चीज के ऊपर हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा। ग्रांट जो रहती है इंडियन गैप में, पहले ऐसे होता था कि दो तरह की ग्रांट होती थी, कैपिटल नेचर की एंड रेवेन्यू नेचर की। कैपिटल नेचर की मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल बाय द गवर्नमेंट एज अ इन्वेस्टर, ऐसी ग्रांट है ही नहीं। इंडेस और आईएफआरएस में ऐसी कोई ग्रांट नहीं है। आईएफआरएस कहता है कि आपके पास ऐसी कोई ग्रांट ही नहीं है कि जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट? इस दुनिया में कुछ चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती, पूरी दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट चीज कुछ नहीं मिलती, आपको कमानी पड़ती है वो चीज। क्या कमानी पड़ती है आपको? गवर्नमेंट के लिए आप काम करते हो टू डेवलप द इकोनॉमी, आप एक एरिया में जाके पक्का आपका बिजनेस सेटअप करते हो तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, वहां की आसपास की लोगों को काम मिलता है, नॉट जस्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय बाय वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट वेंडर्स सब कॉन्ट्रैक्टर्स करके काम मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, सबका दिमाग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज पे लगता है, कोई डिस्ट्रक्टिव कुछ काम कोई करता नहीं। तो ये बेनिफिट है गवर्नमेंट के लिए और आपको वो इंड्यूस करती है। आपका बिजनेस कहां पे है? चलो दिल्ली में है, मुंबई में है, पुणे में, बैंगलोर, हैदराबाद, इन जगह पे है, मतलब नहीं है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, टीयर वन कंपनीज हुई है। आप किसी टीयर टू टीयर थ्री कंपनीज में जाइए, वहां पे डेवलप कीजिए, कोई ऐसा डेजर्टेड एरिया में जाइए, राजस्थान में कहीं जाइए आप, इंटरनल कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे पॉपुलेशन कम है, डेवलपमेंट कम है, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे डेवलपमेंट कम है, हर एक स्टेट में ऐसे कोई कुछ एरियाज है जहां पे डेवलपमेंट कम है, नहीं है, नहीं के बराबर है। तो आप वहां पे जाके आप इंडस्ट्रियल हब प्रिपेयर करोगे तो हम आपको ये फैसिलिटीज देंगे, लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, गवर्नमेंट के पास बहुत लैंड है, हम आपको वाटर सप्लाई के लिए मदद करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप डेवलप कीजिए बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, सब कॉन्ट्रैक्टर्स बढ़ाइए और आपका सेल शुरू कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा, हमारे लिए डेवलपमेंट होगी। अर्न करते हो आप, यू अर्न दैट बाय डूइंग अ बिजनेस, इट्स नॉट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सो एवरी ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, नथिंग इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल। सो कैपिटल रिजर्व में डायरेक्टली कुछ नहीं जाएगा, इंडियन गैप में पहले जाता था, अब बिल्कुल नहीं, इंडेस और आईएफआरएस में बिल्कुल नहीं जाएगा। एवरीथिंग, एनी ग्रांट, एनी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स बाय गवर्नमेंट हमें जो दिया है, इट विल बी रूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंडेटरीली। बात समझ में आई? ग्रांट इज द इनकम, ग्रांट इनकम है और ये इनकम जो है, ये इनकम मैं क्या करता हूं, अर्न करता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता मुझे, एंड इसीलिए मुझे ये क्या करना पड़ता है, ये रिकॉर्ड करना पड़ता है थ्रू पीएनएल इन एनी केस। आर यू विथ मी एवरीवन? सो पीएनएल के थ्रू ही इसका अकाउंटिंग होने वाला है, डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। अब पीएनएल में जाएगा तो रेकग्नाइज कब करना है और मैचिंग प्रिंसिपल सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब कोई भी ग्रांट जैसे आप लीजिए, विदाउट कंडीशन कोई ग्रांट होती नहीं, गवर्नमेंट कहेगी ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करो, कंडीशंस कब सेटिस्फाई करनी है, ओवर द पीरियड सेटिस्फाई करो, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंसिएशन करना पड़ेगा। बात बिल्कुल सिंपल है, रेकग्नाइज कब करनी है ग्रांट, ग्रांट विल बी रेकग्नाइज्ड व्हेन एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैच्ड एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड। ये जब देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ग्रांट विल बी रिसीव एंड एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस, तभी जाके ग्रांट रिकग्नाइज होती है, अदरवाइज ग्रांट रिकग्नाइज नहीं होती, इवन इफ इट इज रिसीव्ड। पैसे मिले भी हैं ग्रांट के, वो लाइबिलिटी करके रहेंगे, वो रिकग्नाइज नहीं होंगे। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड इनकम, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। बात समझ में आ रही है सबको मेरी? रिकग्नाइज के लिए, रिकग्निशन के लिए एलिजिबल नहीं है अभी के लिए, डेफर कर दो।
हो सकता है आपने कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाई कर दी है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट बाद में मिली है, ग्रांट पैसे बाद में मिले हैं, ग्रांट में कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंडीशंस हो गए सेटिस्फाई पूरे, अब कुछ करने नहीं है। जिस किसी खर्चे के लिए मुझे पैसा मिला था वो खर्चा मैंने ऑलरेडी इनकर कर चुका हूं, मैंने पहले रिकॉग्नाइज नहीं की, क्यों? रिसीवेबल करके रिकॉग्नाइज नहीं की, क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था ग्रांट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जब मिलेगी मैंने ऐसे सोचा, प्रोबेबिलिटी लग नहीं रही मुझे अभी, जब मिलेगी तब देखा जाएगा, तो अब मिली है लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अब मैं जाके रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है सबको मेरी? कोमल, पूनम, तो ये क्या हुआ, एक टाइमिंग कंडीशंस हमने शेयर बेस्ड पेमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स में देखा था, शेयर बेस्ड पेमेंट स्पेशली वेस्टिंग कंडीशंस जैसे सेटिस्फाई हो जाते हैं वैसे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होते हैं, यहां पे ग्रांट की कंडीशन जैसे सेटिस्फाई होते हैं वैसे इनकम रिकॉग्नाइज हो जाएगा। शेयर बेस्ड पेमेंट में एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग था, यहां पे रिसीट मुझे मिल रही है तो वो एंटिटी, वो मैं अदर काउंटर टेबल पे काउंटरली बैठा हूं, यहां पे मुझे मिल रहा है इनकम, वहां पे खर्चा था यहां पे इनकम है, तो कंडीशंस जैसे सेटिस्फाई होगी वैसे मैं क्या करता हूं, ग्रांट रिकॉग्नाइज करता हूं। अगर प्रोबेबिलिटी है तो, प्रोबेबिलिटी नहीं है तो नहीं रिकॉग्नाइज करूंगा, भले ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है, ग्रांट मे नॉट बी रिसीव, पता नहीं अभी, गवर्नमेंट का क्या भरोसा, गवर्नमेंट कह दे नहीं अभी नहीं, पैसे ही नहीं है हमारे पास, 3 साल बाद मिलेगा, अभी क्या पता 3 साल के बाद का किसने सोचा है, 3 साल के बाद देखेंगे, तो रिकॉग्नाइज नहीं की, भले ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ग्रांट रिकॉर्ड नहीं होगी, जब मिलेगा तब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ग्रांट भी मिली, कैश एंड बैंक टू पी एंड एल इनकम, एज सिंपल एज दैट। तो ये मैचिंग करना पड़ता है कंडीशंस के साथ, कंडीशन सेटिस्फाई करने का पीरियड एंड ग्रांट का पीरियड, तो ये मैचिंग जब करो, मतलब जब खर्चा होता है तो मैं ग्रांट रिकॉर्ड कर सकता हूं। बहुत बार ये होता है, इट्स अ नॉमिनल, आई मीन इट्स जस्ट अ कस्टमरी प्रैक्टिस, वेदर पैसे कब आएंगे, पता है पैसे आएगा ही आएगा, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे कि अभी मिलते आ ही रहे हैं पैसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे जैसे खर्चा होता है, सैलरी 5 साल तक आप सैलरी का खर्चा हम करेंगे, गवर्नमेंट ने कहा एम्प्लॉयमेंट बस 100 एम्प्लॉयज आपने एम्प्लॉय करने हैं, तो जैसे 1 साल की सैलरी दे दी, ग्रांट रिकॉर्ड कर ली, पैसे मिलेंगे, बट अभी क्या कर ली, ग्रांट रिकॉर्ड कर ली, इनकम रिकॉर्ड कर लिया, रिसीवेबल्स टू ग्रांट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जितना खर्चा हुआ है उतने का ग्रांट इनकम में रिकॉर्ड करूंगा। 1 करोड़ रुपए की सैलरी दी है, गवर्नमेंट ने कहा 80% हम बेयर करेंगे, 80 लाख रुपए का इनकम जनरेट किया, करेक्ट, रिसीवेबल 80 लाख, ग्रांट इनकम 80 लाख, दैट्स इट। खर्चा कितना किया है, 1 करोड़, 1 करोड़ पी एंड एल में एक्सपेंस में जाएगा, ग्रांट इनकम कितना जाएगा, 80 लाख जाएगा, ठीक है। सो नेट इंपैक्ट मेरे बुक्स में 20 लाख एक्सपेंसेस का है। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट मैचिंग हैज टू बी विद द सेटिस्फाइंग कंडीशंस। कंडीशंस किस तरीके से आप सेटिस्फाई करते हो उसकी प्रपोर्शन में आप इसको क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे। ग्रांट जनरली जो क्लासिफाई की जाती है रिकॉग्निशन के लिए, वो की जाती है क्लासिफाई बिटवीन एसेट रिलेटेड ग्रांट या एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट। एसेट रिलेटेड ग्रांट में डायरेक्ट एसेट भी मिल सकती है, एसेट के लिए पैसे भी मिल सकते हैं। तो मैंने 3 तरह के ग्रांट्स आपको कहे थे, इफ यू रिमेंबर, रिसोर्सेस 3 तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट एसेट मिली, या एसेट परचेस करने के लिए पैसे मिले, या खर्चा करने के लिए पैसे मिले, am I right? ये 3 चीजें मैंने कही थी आपसे। तो उसमें पहला जो है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, इसमें मुझे डायरेक्ट एसेट भी मिल सकता है या एसेट के लिए पैसे मिल सकते हैं, क्लियर कट है ग्रांट में। आप को ये पैसा दिया जा रहा है, इससे आप मशीनरी परचेस करोगे, इससे आप लैंड परचेस करोगे, इससे आप बिल्डिंग परचेस करोगे, एसेट रिलेटेड ग्रांट। ये पैसे दिए जा रहे हैं आपको, आप इससे सैलरी पे करोगे, आप इससे इन्वेंटरी परचेस करोगे, आप इससे ये खर्चा करोगे, एक्सपेंडिचर रिलेटेड, मतलब ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, इनकम मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों उससे रिलेटेड है। तो ये 2 प्राइमरी तरीके हैं, या तो वो कह देते हैं, जैसे कि कई जो इंडस्ट्रियल एरियाज है
वहां पे गवर्नमेंट कहता है ये लैंड हम आपको देते हैं, गवर्नमेंट की लैंड है, बैरन लैंड है, कुछ है नहीं उसमें, कुछ उग भी नहीं सकता बिल्कुल, नो कल्टिवेशन पॉसिबल बिकॉज ऑफ नो वाटर, और बहुत जमीन जो ऐसी है उसमें कुछ मिट्टी नहीं है और उपजाऊ जमीन नहीं है, तो ऐसी केस में फर्टाइल लैंड नहीं है, इट्स नॉट अ फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड नहीं है तो ऐसे दे दी, इंडस्ट्रियल एरिया तो हो जाए वहां पे, तो लैंड दे दी डायरेक्टली नॉन मॉनिटरी ग्रांट, क्या कहते हैं उसको, नॉन मॉनिटरी ग्रांट, नॉन मॉनिटरी ग्रांट एंड मॉनिटरी ग्रांट। मॉनिटरी ग्रांट में भी एक रहता है एसेट रिलेटेड, ये नॉन मॉनिटरी ग्रांट एसेट रिलेटेड है, ये मॉनिटरी ग्रांट एसेट रिलेटेड ये भी होता है एंड इनकम रिलेटेड, ये तीन ग्रांट का अकाउंटिंग हमें देखना है, दैट्स इट। बात बिल्कुल सिंपल है, एसेट रिलेटेड ग्रांट रिकग्निशन तो देख लिया हमने, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि ये पैसे आपको एसेट लेनी है, पैसे या तो दिए हैं या एसेट परचेस करने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट से, दो तरीके हो सकते हैं, द मोमेंट आई परचेस द एसेट मुझे पता है एसेट मिलने, एसेट मैंने परचेस कर ली तो गवर्नमेंट से पैसा आएगा या गवर्नमेंट ने पैसा ऑलरेडी दिया है, तो ऐसी एसेट जो है प्रेजेंट करने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक होता है ग्रॉस प्रेजेंटेशन, मतलब एसेट अलग आएगी, 1 करोड़ की एसेट परचेस की, 1 करोड़ की एसेट गवर्नमेंट ने ग्रांट नहीं, ग्रांट दी मुझे, वो ग्रांट आई मेरी लाइबिलिटी में, ग्रांट तो रिकॉग्नाइज कर ली बट ये ग्रांट मेरी लाइबिलिटी है, अभी इनकम में रिलीज नहीं होगा, क्यों, ग्रांट किस लिए दी थी, एसेट के लिए, कंडीशन क्या है, एसेट को यूज करना है बिजनेस में, एसेट कितने साल चलेगी, 10 साल, तो 10 साल तक उसका क्या जाएगा, इनकम जाएगा, एसेट का लाइफ 10 साल है, आप एसेट परचेस करो यूज करो, बेनिफिट जो मिलेगा एसेट से टू दैट एक्सटेंट आपका ग्रांट भी रिकॉग्नाइज होगा। एसेट से रिलेटेड खर्चा क्या है, डेप्रिसिएशन, अपफ्रंट पैसे तो करते नहीं हम ऐसे खर्चे में, हम क्या करते हैं एसेट कैपिटलाइज करते हैं, उसको डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, तो खर्चा 10 साल के लिए आएगा तो ये इनकम भी गवर्नमेंट ग्रांट का 10 साल तक जाएगा, तो इसीलिए ग्रॉस प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आप एसेट सेपरेट पर प्रेजेंट करो यहां पे, और जो ग्रांट का पैसा मिला है वो ग्रांट आप लाइबिलिटी करके सेपरेटली रिकॉग्नाइज करो, ये ग्रांट आप लाइबिलिटी करके सेपरेटली रिकॉग्नाइज करो, इसको कहते हैं ग्रॉस प्रेजेंटेशन। पीएनएल में क्या इंपैक्ट आएगा, एसेट का डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे जाएगा एज ए एक्सपेंस, लाइबिलिटी का प्रोपोर्शनेट इक्विवेलेंट टू डेप्रिसिएशन ये मेरा क्या जाएगा, इनकम जाएगा। पीएनएल में नेट बेसिस पे ये क्या हो सकता है, इनकम रिकॉग्नाइज हो, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा, डेप्रिसिएशन ज्यादा इनकम कम, नेट एक्सपेंस, इनकम ज्यादा डेप्रिसिएशन कम, नेट इनकम, ये हो सकता है। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट और अकाउंटिंग होता है ग्रॉस बेसिस पे, मतलब मेरा इनकम जो जाता है ग्रॉस बेसिस पे पीएनएल में, डेप्रिसिएशन अलग से, पीएनएल में नेट इंपैक्ट कम रहेगा। दूसरा तरीका होता है नेट बेसिस प्रेजेंटेशन का, कोशिश करता हूं मैं यहां पे दोबारा से, एक सेकंड रुकिए, ये मैं पढ़ रहा था यहां से कि ग्रांट का सवाल एक ही बार आया है 2019 में, गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रॉस बेसिस पे क्या होता है, यहां पे बैलेंस शीट है आपका एसओएफपी,
एसेट जिसके लिए ग्रांट मिला है यह है लेट्स से 1 लाख रुपए, ये गवर्नमेंट ग्रांट, ये मिला है पैसा, ये लाइबिलिटी है, ये लेट्स से 60,000 है, इसका यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, तो इसका डेप्रिसिएशन जाएगा 10,000, तो ये भी 10 ईयर्स के ऊपर ही रेकग्नाइज करेंगे इनकम में। खर्चा जिस प्रोपोर्शन में जाता है उसी प्रोपोर्शन में इनकम आएगा। ग्रांट किस लिए है? एसेट से रिलेटेड। एसेट का खर्चा डेप्रिसिएशन की तौर पे मेरे पीएनडीएल में जाएगा, तो ग्रांट का इनकम भी क्या जाएगा मेरा उसी लाइन में जाएगा। सो ग्रांट इनकम 10 साल में ये 6,000 जाएगा। नेट एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 4,000। ये ग्रॉस प्रेजेंटेशन है। नेट प्रेजेंटेशन में क्या होता है? यहां पे जो एसेट है नेट ऑफ ग्रांट, नेट ऑफ ग्रांट मनी, एसेट है मेरा 10 लाख का, सॉरी 1 लाख का, माइनस ग्रांट 60,000, मैंने रिकॉग्नाइज किया एसेट यहां पे 40,000। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जाएगा ओवर 10 ईयर्स, कितना जाएगा? 4,000। वही है नेट एक्सपेंडिचर, जैसे यहां पे 4,000 ही, यहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर 4,000 आया, वो चाहे नेट हो या ग्रॉस हो, इंपैक्ट दोनों में सेम ही रहेगा। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? ग्रांट रिलेटेड टू इनकम ये भी सिंपल है, ये एक खर्चा करने के लिए इनकम, खर्चा करने के लिए मतलब लेट्स से फॉर सैलरी, ग्रांट गिवन फॉर सैलरी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लिखा रहेगा ग्रांट की कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस में That you have to maintain the employment generation for another 5 years. Maintain employees, 100 employees for 5 years. Salary cost है, let's say 1 लाख रुपए. Salary cost कितना है? 1 लाख रुपए. ग्रांट कितना मिला है? 80%, मतलब 80,000। ठीक है, तो जैसे ही 1 साल की सर्विस हो गई, तो लेट्स से इसको 5 लाख करते हैं और इसको 4 लाख करते हैं, एक साल खत्म हो गया, 5 साल करना है, 1 साल खत्म हुआ तो इमीडिएटली ये तो जाएगा ही मेरा 1 लाख का सैलरी एक्सपेंस, ये कितना जाएगा? 1 साल खत्म हो गया, 1 लाख जाएगा, ये ग्रांट इनकम 80,000। तो सिंपल सी बात है, क्रेडिट सेपरेटली टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर जनरल हेडिंग अदर इनकम, ये अदर इनकम में सेपरेटली जाएगा, ये एक्सपेंस सेपरेटली जाएगा। नेट बेसिस पे पीएनएल में कर सकते हैं, डिडक्ट ग्रांट इन रिपोर्टिंग द रिलेटेड एक्सपेंडिचर। सो नेट पे भी जा सकता है 20,000 सैलरी एक्सपेंस नेट ऑफ ग्रांट इनकम, ये पीएनडल में रहेगा। अगर पैसा पूरा मिल चुका है तो एक अमाउंट जाएगा बैलेंस शीट में एज योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी से रिलीज होगा इनकम के लिए पीएनडल में। या तो ये ग्रॉस बेसिस पे जा सकता है या तो ये नेट बेसिस पे जा सकता है, इस तरीके से पूरा पूरा पैसा मिला है तो आपके लाइबिलिटी में रहेगा।
सिंपल एज दैट, मिलना बाकी है तो ये रिसीवेबल करके जाएगा जितना हमने अकाउंट फॉर किया है उतना, मतलब 80,000 का अकाउंट फॉर किया मिला नहीं तो रिसीवेबल करके जाएगा, पूरा मिला है तो 80,000 छोड़ के अब बैलेंस शीट में बचा हुआ रहेगा, दैट्स ये 80,000 रिलीज करोगे लाइबिलिटी से टू पी एंड एल इनकम में। ठीक है, इज एवरीबडी विथ मी? नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स, लैंड ही दी, पैसे नहीं दिए, लैंड दी। अब मेरे बैलेंस शीट में आएगा एसओएफपी में, लेट्स से नॉन करंट एसेट सेक्शन के अंडर लैंड, यहां पे मेजरमेंट कितने का कर रहा है, लैंड दी पता नहीं मेरे पास क्या है, तो स्टैंडर्ड कहता है इस लैंड को आप फेयर वैल्यू कीजिए एंड अकॉर्डिंगली ग्रांट लाइबिलिटी को भी उसी अमाउंट में यहां पे लिख लीजिए, फेयर वैल्यू दोनों, इसको डेप्रिशिएट कीजिए, इसको पी एंड एल रिलीज कीजिए ओवर द लाइफ ऑफ दैट एसेट। तो लैंड जनरली वो लाइफ ऑफ एसेट में क्या करेंगे, वो डेप्रिशिएट, अब लैंड है तो डेप्रिशिएट नहीं हो गया, आई एम वेरी सॉरी, ये मैं बिल्डिंग करके सोच रहा था, लैंड है तो डेप्रिशिएट नहीं होगी, वेरी सॉरी, बिल्डिंग है तो डेप्रिशिएट होगी और उसी पीरियड में उसको ग्रांट में हम रिलीज कर देंगे। लैंड है तो लैंड को जनरली नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ये चॉइस दोनों एसेट के लिए, लैंड हो बिल्डिंग हो दूसरा कोई भी एसेट हो, नॉमिनल वैल्यू पे कीजिए। नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या, गवर्नमेंट ने या आपको लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दी तो भी उसको एक्वायर करने के लिए कुछ खर्चा होता है, लैंड का नाम मतलब इट विल बी इन माई नेम, मेरे नाम में आने के लिए कुछ स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, लीगल चार्जेस, कोई कमीशन देना पड़ेगा, ये कुछ होता है, तो ये नॉमिनल अमाउंट पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ये एक चॉइस है। फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तो ये भी फेयर वैल्यू पे आएगा, ये भी फेयर वैल्यू पे आएगा, अकॉर्डिंगली रिलीज करते रहेंगे। नॉमिनल अगर लैंड है तो जनरली नॉमिनल अमाउंट पे आता है और वैसे ही रहता है, फिर ग्रांट रिकॉर्ड ही नहीं करते, ग्रांट लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होता, नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। आर यू विथ मी ऑन दिस? तो तीनों का अकाउंटिंग हमने देखा है। जस्ट बोलिए उम्मीद, कोई सवाल? नहीं सर, ठीक। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जस्ट ये नॉट रिलेटेड टू दिस टेक्निकल थिंग, बट प्रिंसिपल बेसिस पे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मेन है ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। नाउ इसमें अगर हम लोग नेट बेसिस पे प्रेजेंट करते हैं तो माय एसेट उतना अमाउंट से कम दिखता है विद माई अदर कॉम्पिटिटर्स, तो मुझे वो रेशियो ऐसे डिस्टॉर्टेड दिखेगा, फिर मेरा कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो ये कैसे, मतलब ये थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी हो सकता है क्या या कॉन्ट्राडिक्टरी फिर? नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन का चॉइस है आपके पास। वैसे भी आप कोई एसेट ग्रांट के तौर पे मिली, उसका पैसा भी मिला है ना, आपके जेब से कॉस्ट गया ही नहीं, इन्वेस्टमेंट एज सच नहीं हुआ ना आपका, देखा जाए आप अगर खुद इन्वेस्टमेंट करते, आप कॉस्ट इनकर करते तो वो वहां पे अमाउंट पूरा दिखना चाहिए, मैं मानता हूं, बट जहां पे अगर मेरे पास लेट से ये नहीं है, मतलब गवर्नमेंट से पैसा मिला है, या तो उस पैसे को लाइबिलिटी दिखाऊं क्योंकि कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं हुए तो ये रिमेनिंग पैसा वापस भी देना पड़ सकता है, am I right? और सिमिलरली इसीलिए स्टैंडर्ड कहते हैं आपके पास चॉइस है, डिस्टॉर्ट नहीं होगा कुछ पिक्चर, वो तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट में मेरे पास जो मैंने खर्चा किया है वो आएगा, तो मैं ग्रॉस भी दिखा सकता हूं, जो पैसा गया है वो एक्चुअल एसेट की कॉस्ट गई है, बट उसके बदले में गवर्नमेंट से कुछ मिला वो लाइबिलिटी है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये देना भी पड़ेगा, वापस रिफंड करना पड़ेगा, तो आप इसको सेपरेट रखिए या आप उसको नेट बेसिस पे भी रख सकते हैं, आपको पता है कि कुछ देना नहीं पड़ेगा वापस, आप नेट पे रखिए, जेब से जितनी अमाउंट गई है उतनी आनी चाहिए मिनिमम, तो 1 लाख रुपए की एसेट है, 80,000 गवर्नमेंट जेब से कितने गए, 20,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे मेरी ट्रू एंड फेयर ही है, वैसे देखा जाए तो एसेट की पूरी वैल्यू, वो एसेट की वैल्यू मेरे जेब से गई नहीं ना, वो तो क्लियर कट इनफैक्ट दिख रहा है कि इसमें इतनी वैल्यू कम कैसे हो सकती है, नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा ना, एंटिटी हैज रिसीव्ड अ ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस एसेट एंड एंटिटी हैज चोजन टू प्रेजेंट दिस एसेट ऑन अ नेट बेसिस, तो डिस्क्लोजर भी आएगा पहले साल में,
और बाद में तो फिर तो ये दिमाग में रहेगा एनालिस्ट के दिमाग में, अगर वो है कर रहा है तो समझ में, करंट ईयर प्रीवियस में आएगा, और फिर बाद में समझ में आएगा कि ये एसेट है, स्टेक होल्डर्स के समझ में आएगा कि यहाँ पे ये एसेट से रिलेटेड ग्रांट मिली है इसलिए वैल्यू कम है, तो ऐसा डिस्टॉर्टेड पिक्चर नहीं दिखता पर मी, ठीक है। एंड यही कुछ एक लॉजिक इसके प्रेजेंटेशन में लगा है। हाँ सर, मतलब डिस्टॉर्टेड नहीं दिखेगा, बट जो रेशोज अगर मैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो निकालूं थोड़ा फर्क उसमें, पड़ तो सकता है उसमें, वो कंपैरिजन में थोड़ा फर्क पड़ेगा कर क्योंकि सकता है काम। अगर आपको लगता है, तो आपके पास चॉइस भी, आप वहां पे नेट प्रेजेंट न मत करो, ग्रॉस प्रेजेंट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर नहीं दिखा रहे हैं इस तरीके का, मत दिखाइए, नॉर्मल दिखाइए, वो भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ओके। ग्रांट रीपे भी करना पड़ सकता है इन बिटवीन, कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो आपको ये ग्रांट रिफंड करना पड़ सकता है। ग्रांट रीपे किया तो क्या-क्या होगा, सोचिए, आपके दिमाग में लाइए, एसेट रिलेटेड ग्रांट है, ये एसेट रिलेटेड ग्रांट है, आपने उसको रीपे करना पड़ा, लाइबिलिटी निकल जाएगी आपकी बुक्स में से, am I right? लाइबिलिटी डेबिट टू कैश एंड बैंक, पहला अकाउंटिंग एंट्री आएगा, जो कैश मिला था वो रीपे करना पड़ा। हो सकता है ग्रांट जितना बचा है उतना ही रीपे करना पड़े, या पूरा का पूरा रीपे करना पड़े। पूरा का पूरा रीपे करना पड़े तो कुछ चीज हमने ऑलरेडी पीएनडल में इनकम करके लेके गए थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा पीएनडल में, जो इनकम लिया था उसको डायरेक्टली पीएनडल एक्सपेंस लेके जाना पड़ेगा। जो डेप्रिसिएशन अगर नेट, ये ग्रॉस प्रेजेंटेशन है तो वो वैसे आएगा, इंक्रीज अगर नेट प्रेजेंटेशन है तो इंक्रीज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट और रिड्यूस डेफर्ड इनकम, मतलब इंक्रीज कैरिंग वैल्यू इन नेट प्रेजेंटेशन, मतलब 1 लाख की एसेट है, 60,000 रुपए का अगर ग्रांट मिला है तो आपने 40,000 रुपए दिखाया रहेगा एसेट, ये आप कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इंक्रीज कीजिए टू अगेन 1 लाख। जो डेप्रिसिएशन आपने प्रोवाइड किया है, शॉर्ट प्रोवाइड किया है, उसमें प्रोवाइड कीजिए पूरा पूरा डेप्रिसिएशन, 2 साल के बाद किया 2 साल का डेप्रिसिएशन पूरा प्रोवाइड कीजिए एंड कैलकुलेट कैरिंग वैल्यू। ग्रॉस प्रेजेंटेशन किया है, लाइबिलिटी 60,000, ये 1 लाख, एसेट के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी इंपैक्ट आएगा यहां पे आएगा, एसेट का डेप्रिसिएशन नॉर्मल चालू है, ये जो है ये आपको रीपे करना पड़ेगा, तो इसको रिवर्स कीजिए आप, बाकी जो भी है कैश एंड बैंक जो भी है क्रेडिट डालिए, 60,000 से पूरा पे किया। अगर इसका कैरिंग वैल्यू 50,000 है और आपने 60,000 पे किया है तो 10,000 पीएनडल में आएगा उस साल में, और इन द ईयर ऑफ रीपेमेंट, सो रीपेमेंट ऑफ द ग्रांट इन एक्सेस ऑफ द डेफर्ड इनकम, मतलब लाइबिलिटी से ज्यादा ये डेफर्ड इनकम है, मतलब लाइबिलिटी 50,000 का है और रीपेमेंट 60,000 है, तो अमाउंट इन एक्सेस ऑफ डेफर्ड इनकम एज अ लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन पीएनडल, इमीडिएटली इन पीएनडल, डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस दैट इमीडिएटली, ये नेट प्रेजेंटेशन की केस में ही आएगा, ग्रॉस प्रेजेंटेशन में ये नहीं आता क्योंकि डेप्रिसिएशन अपना एसेट का ऊपर चालू ही है, उसमें क्या फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वहां पे नेट प्रेजेंटेशन में ही सिर्फ फर्क पड़ सकता है, इसका ग्रॉस में फर्क नहीं पड़ेगा। इनकम रिलेटेड ग्रांट है तो रीपेमेंट इज फर्स्ट अप्लाइड अगेंस्ट एनी अनअमोर्टाइज लाइबिलिटी, जो हमने लाइबिलिटी में रखा है उसके अगेंस्ट रीपेमेंट पूरा अप्लाई करना है, उसके ओवर एंड अबव दैट रीपेमेंट है तो इमीडिएटली पीएनडल में अकाउंट फॉर होना चाहिए। रीपेमेंट इन एक्सेस ऑफ डेफर्ड लाइबिलिटी, डेफर्ड इनकम, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली, ठीक है। गवर्नमेंट लोन्स एट अ कंसेशनल रेट, हमने एक बात की थी इफ यू रिमेंबर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, लेट्स से
गवर्नमेंट हैज, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ये बात नहीं की थी बट बाकी की बात की थी, पेरेंट ने सब्सिडरी को निल इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया है. सो गवर्नमेंट हैज गिवन लोन ऑफ 1 लाख एट 0% रेट वेयर मार्केट रेट इज 10%. मार्केट रेट कितना है? 10% का है. तो इसको फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड करना पड़ेगा लाइबिलिटी में एंटिटी को. एंटिटी क्या करेगा? डेबिट कैश और बैंक 1 लाख, क्रेडिट लोन लाइबिलिटी लेट्स से ये कितने साल का है? 3 इयर्स, 75,000. और एक क्रेडिट आएगा यहां पे, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम 25,000. बात समझ में आ रही है आपको? ये पेरेंट सब्सिडी में हमने क्या किया था? इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन इन बुक्स ऑफ सब्सिडियरी, ये किया था हमने. क्या किया था? इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर फ्रॉम पेरेंट, ये किया था सब्सिडियरी की बुक्स में. यहां पे ये डिफरेंस कहां जाएगा? गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम में जाएगा एज अ लाइबिलिटी. इसको जैसे जैसे लोन लाइबिलिटी अमोर्टाइज होगी 75 से, जैसे वो 1 लाख में पहुंचेगी लोन लाइबिलिटी, वैसे ये 25,000 से जीरो पे पहुंचेगा. ये यहां पे आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, यहां पे आएगा गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, तो इक्विवेलेंट आएगा. इसका प्रोपोर्शन क्या सही रहेगा? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से इसका अनवाइंडिंग करेंगे तो ये रिलीज होगा ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स. लोन का जो पीरियड है वो इंटरेस्ट जितना एक्सपेंस करेंगे हम टू अनवाइंड दैट लाइबिलिटी फ्रॉम 75 टू 1 लाख, उतनी ही अमाउंट से हम ग्रांट इनकम लेके जाएंगे पीएनएल क्रेडिट में. तो ये पीएनएल न्यूट्रल एडजस्टमेंट होगी, ये पीएनएल न्यूट्रल एडजस्टमेंट होगी. कोई सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड? कोई सवाल? ये समझ में आया आपको? ये जो डिस्कस किया था, ये पहले भी डिस्कस किया था, यहां पे समझ में आया है? प्रकाश सर, ये लास्ट वाला बताइए ना सर, ये गवर्नमेंट ग्रांट इनकम कितना होगा? 1 लाख 70. सिंपल है प्रकाश, ये आप थोड़ा सा ना कोशिश कीजिए. हमने ये किया था पेरेंट सब्सिडियरी में. लेट्स से पेरेंट हैज गिवन लोन टू सब्सिडियरी, लोन ऑफ 1 लाख एट 0%. एम आई राइट? सब्सिडियरी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेगी? सब्सिडियरी बुक्स ऑफ सब्सिडियरी में कैश और कैश और बैंक. कैश बैंक जाएगा 1 लाख, क्रेडिट कहां जाएगा? लोन लाइबिलिटी. अमाउंट क्या? फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू क्या आया इसका? 1 लाख का 10% से इसका बोरोइंग रेट है या ईआईआर आता है लेट्स से 10%. तो फेयर वैल्यू मैं इसके कैश फ्लोस प्लॉट करूंगा. इंटरेस्ट एक्सपेंस कुछ नहीं रहेगा सब्सिडरी को, लेकिन आउटफ्लो रहेगा 1 साल का 1 लाख रुपए का 3 साल के बाद. That will be present valued with discounting factor of 10% after 3 years. ये कितने साल का लोन है? 3 years का लोन. तो ये 75,000 आ गया फॉर एग्जाम्पल. बैलेंस अमाउंट क्या करोगे आप? इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 25,000 का. Am I right? इसमें इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन का अल्टीमेटली बाद में कुछ नहीं होता. हालांकि यही अगर मैं कहता हूं ये रिलेशनशिप जो है, इंस्टेड ऑफ पेरेंट इट इज गवर्नमेंट एंड इट इज एंटिटी. गवर्नमेंट ने एंटिटी को दिया है इंटरेस्ट फ्री लोन, तो ये जो क्रेडिट है यहां पे बस चेंज होता है गवर्नमेंट ग्रांट.
अब ये गवर्नमेंट ग्रांट जो ये पीएनएल के थ्रू जाना चाहिए, करेक्ट, ये कैसे रिलीज होगा पीएनएल में? ये पीएनएल में रिलीज होगा इन द रेट ऑफ, इन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। बेनिफिट क्या है? इंटरेस्ट सेव हुआ ना इस लाइबिलिटी के ऊपर, आम आई राइट? यस इंटरेस्ट सेव हुआ तो इंटरेस्ट जिस प्रोपोर्शन में मेरा डेबिट जाता है इसके ऊपर, इसी प्रोपोर्शन में ये अनवाइंड होगा। ये भी अनवाइंड होके कहां पे पहुंचेगा? 1 लाख पे पहुंचेगा, और ये अनवाइंड होके जीरो में पहुंचेगा। तो यही 25,000 का यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर होगा और यहां पे इंटरेस्ट इनकम, नहीं इंटरेस्ट इनकम नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। राइट? यस अब समझ में आया सबको? आया समझ में ये? नहीं एनी अदर क्वेश्चन? ऑल राइट, थैंक यू। देखते हैं आगे हम कहां तक पहुंचे हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सेकेंड डे एक्सेप्ट, फर्स्ट डे खत्म हो गया हमारा, पूरा फर्स्ट डे हो गया। सेकेंड डे में सिर्फ IS-12 बचा है, बाकी पूरा खत्म हो गया। तीसरे दिन का IFRS-13 हो गया, 21 हो गया, IS-20 हो गया। यहाँ पे बचा है हमारे पास, अभी टॉपिक देखिए क्या है, ये एक बचा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी पांचवा, पांच टॉपिक बचे हैं। उसमें से कोशिश करेंगे हम कि IFRS 8 कर लेते हैं और 41 कर लेते हैं। 41 भी बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं, काइंड ऑफ जो इंपॉर्टेंट है क्या करना है उसमें ये बताऊंगा मैं आपको। तो उसके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में देखिए कि उसका डिफरेंशिएशन, उसका कैलकुलेशन कैसे किया एग्रीकल्चर में। तो पास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन अगर देख लेते हो तो एग्रीकल्चर ऐसी ही बात है, ज्यादा कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। क्या देखना है यही मैं आपको बस उसमें से एक बात बताऊं, ठीक है? तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, पहले तो लेंगे IFRS 8 लेते हैं, और नहीं तो 41 पूरा नया ही टॉपिक है। अगर इसके लिए लेते हैं तो कौन सा टॉपिक ले सकते हैं? 33 को थोड़ा सा टाइम लगेगा, 12 शुरू करते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं 12 में इनकम टैक्सेस। तो IFRS 8 लेंगे और उसके बाद में IS-12 लेंगे। आज 10 बजे शुरू किया था तो 6 बजे तक तो कम से कम अपना अलॉटेड टाइम है, ठीक है? तो एक 10 मिनट का ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट विथ IFRS 8 एंड देखते हैं IS-12 कितना होगा। नहीं होगा तो हमारे कल 4 टॉपिक्स रहेंगे, कंसोलिडेशन, इनकम टैक्सेस, एग्रीकल्चर एंड ईपीएस, ठीक है? 10 मिनट।